भारत सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स यानी कि Netflix, Prime, Hotstar इत्यादि के कंटेंट की तरफ कुछ बड़े कदम उठाए हैं, जिससे अब इनका कंटेंट पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा भारत में। क्या है ये कदम, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सरकार ने सारे OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि Hotstar, Netflix, Prime इत्यादि को मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत लाने के तरफ कदम उठा दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इस समय यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के अंतर्गत आता है। अब तक इन प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी तरह का रोक टोक या फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं था, पर अब ऐसा नहीं है। अब इसके बाद कुछ सवाल उठते हैं। पहला ये कि इस कदम के बाद सरकार इन प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट पे किस तरह की बंदिशें लगाना शुरू करेगी। अगर मेनस्ट्रीम सिनेमा की बात करें तो लोगों का ये भी मानना है कि CBFC की वजह से कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बड़ी स्क्रीनों पे नहीं उतारे जाते। तो क्या अब नेटफ्लिक्स और बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स पे और इनके कंटेंट के साथ भी ऐसा ही होगा? क्या कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो अब इन पर भी नहीं उठाए जाएंगे? अगला ये कि लोगों का ये मानना है कि नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पे हिंदूफोबिक कंटेंट डाला जाता है। हिंदूफोबिक यानी कि वो कंटेंट जो हिंदू धर्म को संदेह की भावना में डालता है। हालांकि ये कि लोग ये भी कहते हैं कि ये कंटेंट हिंदूफोबिक नहीं है, ये सच्चाई है और इसको पर्दे पे दिखाया जाना चाहिए। अब सरकार इन प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी, ठीक वैसे ही जैसे उरी और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसी मूवीज को किया गया था इलेक्शंस के टाइम पे, या फिर सिर्फ इनको मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत लाके सरकार का काम एक वॉच डॉग यानी कि सिर्फ सरकार का काम इन्हें देखने तक रह जाएगा। खैर, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।